सरगोधा के बाद रुख करते हैं भलवाल का, जहां भलवाल में गवर्नमेंट गर्ल्स और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भलवाल के ज़ेर एहतमाम योम यकजहती कश्मीर डे के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे कमर ज़मान इनकलाबी से, जिनकलाबी आगाह कीजिएगा मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं आपके पास। जी अबू बकर, तहसील भलवाल में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में प्रिंसिपल मोहम्मद वसीम की क्यादत में एक रैली निकाली गई। स्कूल के असातिज़ा मोहम्मद तारक, महमूद, मोहम्मद जफर और स्कूल के बच्चों और बच्चियों ने भरपूर शिरकत की। उनका कहना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए। इस मौके पर असातिज़ा कराम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हम इंडिया से लेकर रहेंगे। गोलियों की दोस्तों सदाए बाज गश्त है, ये नफरतों की अज़मतों की सिंध पेश रफ्त है। वो क्या हसीन जवान थे जो इश्क भीत चढ़ गए कि जामिया त जामिया लहू की सर गुज़श्त है। मैं इस रिदाए फुर्क़ को बहार क्यों कहूँ भला कि है चमन लहू लहू गुलाब लफ्त लफ्त है। वसीम इकराम, क्या मैं पाकिस्तान के वक्त सियासी चाल चल कर हिंदुस्तान ने कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए और उसकी तहरीक में कश्मीर के एक नौजवान सुरफील भुट ने तहरीक चलाई, उसकी तहरीक से खौफजदा होकर हिंदुस्तान ने उस पर किसी खुफिया एजेंसी के कत्ल का मुकदमा दायर किया और 11 फरवरी 1984 को उसको फांसी की सजा दे दी गई। यारान चमन कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। मैं दुश्मन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और हम ये आज़ादी की जंग जीत के रहेंगे और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना इस आज़ादी की जंग में शामिल होकर हम ये आज़ादी ज़रूर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और आज़ादी की इस जंग में अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। उनका कहना है कि कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है और जन्नत कभी किसी काफर को मिली है और ना मिलेगी इंशाअल्लाह। रैली के आखिर में स्कूल के प्रिंसिपल मैडम तस्लीम अख्तर, जो कि गुज़श्ता रोज़ ट्रैफिक हादसा में जहाँ बाक हो गई, उनकी मगफरत के लिए दुआया तकरीब का भी इनकार किया गया और शमें भी रोशन की गई। सारे का सारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का टूटा है। जी अबू बकर, बहुत शुक्रिया इनकलाबी तफसीलात से आगाह करने का।